नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असीम गोयल, मैं प्राइम हेल्थ केयर में एक बोन एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे हाइपर यूरिसीमिया या यूरिक एसिड का बढ़ने के बारे में और गाउट के बारे में। तो टिपिकली मेरे पास पेशेंट आते हैं जिनके पाँव के अंगूठे में बहुत ज़्यादा पेन होती है, रेडनेस होती है और स्वेलिंग होती है। ये वाले पेन, स्वेलिंग और रेडनेस के सिम्टम्स हम कई बार नीज में भी देखते हैं। ये नॉर्मली सिंगल नी को इन्वॉल्व करता है, ये सिंगल पाँव के अंगूठे को इन्वॉल्व करता है। बायलेटरल दोनों तरफ की इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी रेयर होती है, लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करें ग्रेजुअली दूसरा जॉइंट भी इसको अफेक्ट हो जाता है। तो ये ज़्यादातर मरीज आते हैं कि इनका अपना नॉर्मल डेली रूटीन का काम ये नहीं कर पा रहे हैं, इनकी एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट हो गई है और बहुत ज़्यादा शार्प स्टैबिंग टाइप ऑफ पेन होती है उनको। तो इसके कुछ टेस्ट होते हैं जैसे पेशेंट आता है, जैसे हम करवा सकते हैं, जिससे हमें अपना डायग्नोसिस कंफर्म करना होता है। वैसे तो ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है पैर, जब पाँव का अंगूठा इन्वॉल्व होता है, लेकिन अगर बड़ा जॉइंट जैसे नी या एंकल इन्वॉल्व हो रहा हो तब हमें और कॉजेज भी रूल आउट करने पड़ते हैं, जैसे सेप्टिक अर्थराइटस और कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ हो। नॉर्मली पाँव के अंगूठे वगैरह में जब होता है तब कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं होती। पेशेंट हमेशा कहता है कि वो एकदम से अचानक बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया, धीरे धीरे सूजन आई और रेडनेस आ गई है उसके ऊपर। तो ये बेसिकली हम जब नी इन्वॉल्व होएगा तब हम इसमें नी से फ्लूइड एस्पिरेट करके उसको क्रिस्टल स्टडी के लिए भी भेज सकते हैं। आपके ब्लड यूरिक एसिड लेवल्स चेक करवाते हैं, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स चेक करवाते हैं और जो फ्लूइड है उसको हम कल्चर के लिए भी भेजते हैं जब नी इन्वॉल्व होता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट पार्ट है, ट्रीटमेंट इसका सबसे पहले रहता है इन्फ्लेमेशन को कम करना। जैसे ही इन्फ्लेमेशन कम होगी आपकी पेन में, रेडनेस में, स्वेलिंग में फर्क आएगा और आपकी रेंज ऑफ मोशन उस जॉइंट की वापस आ जाएगी। अगर हम इसे बहुत देर तक अनट्रीटेड रखते हैं तो हम देखेंगे एक्सरे करके कि जो इसमें आपका जॉइंट स्पेस है वो चाहे मेंटेन रहती हो, लेकिन आपकी स्क्लेरोटिक चेंजेस और डिजेनरेटिव चेंजेस उस जॉइंट के अंदर आने लग जाते हैं, जिसको हम टोफाई भी कहते हैं। टोफाई बेसिकली एक सबक्यूटेनियस डेपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स है बीनिथ द इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू। ये थोड़ा रेयर है, ज़्यादा कॉमनली नहीं दिखता, लेकिन जॉइंट इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा कॉमन है इसमें। तो सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट रहता है इन्फ्लेमेशन को कम करना। इन्फ्लेमेशन हम कम नसाइड से भी कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन हम स्टेरॉइड से भी कर सकते हैं। बड़े जॉइंट्स में कभी कभी हमें इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड का इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं। उसके बाद जब एक्यूट फ्लेयर अप हमारा एक बार ठीक होता है तब हमें प्रोफाइलेक्सिस के लिए इसमें यूरिक एसिड लेवल्स कम करने की मेडिसिन भी देनी पड़ती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइम आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं उसका आपका ब्लड या सीरम यूरिक एसिड लेवल्स भी उस टाइम हाई हों। हो सकता है ये दो हफ्ते पहले हाई हों, उसके बाद ये क्रिस्टल्स डिपॉजिट हुए यूरेट के और उसके बाद ये साइन आए और उस आज के टाइम में आपका जो ये ब्लड यूरिक एसिड या सीरम यूरिक एसिड लेवल्स हैं ये नॉर्मल आ रहे हैं। तो इसमें हम यूरिक एसिड को डाउन करने की मेडिसिन भी देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया नसाइड्स, एंटी इन्फ्लेमेटरीज जैसे स्टेरॉइड्स वगैरह तो हम यूज़ करते ही करते हैं। कोल्ड फॉर्मेंटेशन का इसमें बहुत अच्छा रोल रहता है, रेस्ट का बहुत अच्छा रोल रहता है। लॉन्ग टर्म में हम अगर देखें तो इसमें डाइटरी मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो डाइटरी मॉडिफिकेशन में इसमें हम प्रोटीन रिच फूड्स, अल्कोहल की कंजम्पशन को लो करते हैं और वाटर इनटेक को हाई करते हैं। ये ज़्यादातर हमने देखा गया है कि ये ज़्यादातर उन लोगों में होता है जिनका प्रोटीन इंटेक बहुत हाई होता है या अल्कोहल इंटेक बहुत हाई होता है, लेकिन कई केसेस में ये दोनों कारण भी नहीं हो सकते, कई केसेस में ये जेनेटिक भी होता है। तो अगर आपको ये लगता है कि आपको ये सिम्टम्स हैं तो इसमें टाइम वेस्ट ना करें, साथ के साथ डॉक्टर को दिखाएं और उसकी जाँच करवाएं, जिसके कारण इसका जितना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा रिलीफ भी उतनी जल्दी आएगा और इसके कोई लॉन्ग टर्म आपको प्रॉब्लम्स भी नहीं रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके किसी काम आई हो।